जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप सांझ न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं जंग के ब्यूरो चीफ जनाब मंजूर साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जंग की सूरत हाल क्या है, सफाई सफाई का निज़ाम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है, खैरियत? जी मंजूर साहब, क्या सूरत हाल है आपके जंग में? इधर लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है और सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है जंग शहर में? जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सफाई का जो निज़ाम है ना वो नाकिस है। जो चेयरमैन बल्दिया है वो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। महलों में, गलियों में पानी खड़े हैं और अपना बिजली का जो मतलब तारे वगैरह हैं वो पुरानी हैं, लेकिन उनको दरख्वास्त वगैरह दी जा रही हैं, लेकिन उनको सफाई का निज़ाम सही नहीं है। नहीं, जो पुलिस का रवैया है वो जो हमारे DPO जंग है ना अताउर रहमान, उनका कमांड ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छा है। वो हर जुम्मे को वो खुली कचहरी भी करते हैं, DPO जंग के साथ बैठता है। नहीं, मसाइल अपने मतदाताओं को फौरी हल करने का हुक्म देते हैं और बल्कि उनके रिपोर्ट भी मांगते हैं, लेकिन थानों का जो हाल है उसमें अभी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। लेकिन जो एग्जेक्टिव सारे SHO का जो है बिहेवियर है ना वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ। कुछ SHO हैं जिनका रवैया तब्दील है और वो हर दो पार्टी को जो है ना मेरिट पर सुनते हैं, लेकिन तमाम अभी तक जो है ना वो फुल मतलब एक रवैया तब्दील नहीं हुआ और ना ही। तो फर्स्ट एड का क्या इंतजाम हैं, क्या बंदोबस्त है फर्स्ट एड का? अस्पतालों में पोजिशन ये है कि जो यंग डॉक्टर हैं वो अपनी मन मर्जी करते हैं, बल्कि 3 रोज पहले एक वो पेट्रोल से जला हुआ मरीज जो है वो वार्ड में दाखिल था, तो वहाँ के जो डॉक्टर था उसने उसको ट्रीटमेंट उसको बाहर निकाल दिया और वो बाहर रोड पे पड़ा था, जबकि वो सांस उस डॉक्टर का नाम है वसीम सरवर। तो हाँ, वो ऐसा हुआ ना जब वो डॉक्टर अब्दुलरहमान आया, नहीं जब वो डॉक्टर अब्दुलरहमान आया था ना उनका नुमाइंदा MS का, तो उसने मुझे कहा भाई मैं आ गया हूँ, हम उसके सॉरी करते हैं, तो ये इनको समझाएंगे एंड ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने वो फिर एप्लीकेशन नहीं दी। कॉरपोरेशन जो है वो वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन में अपना ग्रुप वादे करते रहते हैं, कंप्लेंट्स लेते हैं, हम कर देंगे, वो उस जगह पे करेंगे जहाँ पे चेयरमैन के जो काउंसलर साहबान हैं उनका तो हो जाए, वो करवा लेते हैं, लेकिन बाकी महलों गलियों में मतलब जहाँ पे कोई बंदा नहीं है वहाँ पे वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई वाला वो नहीं आता बंदा मतलब सफाई करने के लिए। सेहत के बुनियादी जो सहूलत है वो वहाँ मयसर है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झांग में जब मैं वहाँ पे पहुँचा, अपने साइंस न्यूज़ की टीम लेकर पहुँचा, तो मैंने उसकी जब वो फुटे बनाने लगा और उनके पूछने लगा, तो उन्होंने वो जो वसीम सरवर जो डॉक्टर था यंग डॉक्टर, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। वहाँ पर मौजूद था चौकी इंचार्ज सिविल लाइन जो था अमजद बरेड़ी था, उसने उनको रोका, उन्होंने कहा भाई मीडिया वालों को अपना काम करने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्होंने उनसे भी बदतमीजी की। तो फिर मैंने MS को ऑनलाइन लिया, MS ने अपना नुमाइंदा डॉक्टर अब्दुलरहमान को भेजा, जिसने उनका एक और मरीज था उसको भी दाखिल करवाया, जिसको इन्होंने निकाल दिया था, और उस मरीज को दाखिल कराकर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। MS को मैंने जब फ़ोन किया ना तो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा, उसने उन मरीजों का इलाज शुरू करवा दिया। बाकी रहा वो डॉक्टर वसीम सरवर जिसने बदतमीजी की थी उसका नहीं पता कि उसके खिलाफ को उसने एक्शन लिया नहीं लिया।